हाय गाइस, माय नेम इज अमृता। इस वीडियो में मैं आपको आईब्रोज फिल करने की टेक्निक बताऊंगी और कौन से कलर से हमें आईब्रोज फिल करना चाहिए जिससे हमारी आईब्रोज नेचुरल लुक लगे, हमारी आईब्रोज की आर्टिफिशियल लुक ना लगे। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ आईब्रोज फिल करने के लिए है, ये बेनिफिट का ब्रोजिंक यूज़ कर रही हूँ मैं। ये इसमें दो शेड हैं, एक तो डार्क ब्राउन है जो वेट है, एक लाइट ब्राउन है जो पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, चाहे तो आप आईब्रोज फिल करने के लिए कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकती हैं। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ, आपको बताती हूँ सही टेक्निक। सबसे पहले हम वेट लेंगे और हम जो है आईब्रोज पहले देखेंगे। हमारी नोज़ के बिल्कुल ये जो लाइन है, बोन है, उससे थोड़ा सा छोड़ के आईब्रो जो बोन है उससे यहाँ से फिल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम डार्क करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, अभी मैंने बस सिर्फ शेप दिया है अपने आईब्रोज के लिए, जितना मुझे आर चाहिए और जो मेरी एक्चुअल जो शेप है। मेरी आईब्रोज की जो ग्रोथ है वो बहुत लाइट है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसे फिल करके इसे मर्ज कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल लाइट हैंड से हमें आगे से शुरू करना होगा। एक बिल्कुल लाइट एक लेयर क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसी लाइन को ऊपर की साइड, हमें ये जो ब्रश है उसको ऊपर की साइड फिल करना है, ऊपर की साइड उठाना है इसको, और जो एक लाइन मैंने जो शेप के लिए दिया है उसी को ऊपर ऐसे ले जाना है, ताकि ये भी ना लगे कि आपने एक लाइन, आपकी आईब्रोज में एक लाइन सी है। सबसे पहले ये वेट वाले से आपने जैसे देखा, आपको दिख रहा होगा मैंने शेप अप किया है। अब मैं ये लाइट जो ब्राउन है जो पाउडर फॉर्म में है, मैं उससे फिल करूंगी अपनी आईब्रोज को। फिर दोनों आईब्रोज मैं आपको दिखाऊंगी, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं दोनों एक आईब्रोज फिल कर चुकी हूँ, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि कितना डिफरेंस है मैंने मेरी दोनों आईब्रोज पे। यहाँ से लाइट है और यहाँ से डार्क है, आधा इंच आगे से छोड़ के आपको आईब्रोज थोड़ी डार्क करनी होती है। फ्रंट जो है थोड़ा लाइट रखना होता है, कंपेयर करें तो पीछे से, क्योंकि हमारी जो नेचुरल जो ग्रोथ भी होती है आईब्रोज की वो ऐसी होती है कि आगे से लाइट होती है और पीछे से डार्क होती है। आपको दिख रहा होगा कितनी परफेक्ट और कितनी अच्छी शेप आई है आईब्रोज की, और मेरी जो नेचुरल आईब्रोज है वो ऐसी है। अब मैं आपको दूसरी आईब्रोज फिल करके दिखाऊंगी। से छोड़ के आपको आईब्रोज फिल करना शुरू करना है। सबसे पहले शेप अप करना है अपनी आईब्रोज को, जो आपकी आईब्रोज की नेचुरल शेप है उसी को आपको क्रिएट करना है, तो उसको शेप अप करना है। मैं अपनी आईब्रोज का जो नेचुरल जो शेप है उसी को क्रिएट करके फिल कर रही हूँ। उसके बाद जो है अभी मैंने यहाँ से हाफ इंच छोड़ के अपनी आईब्रोज फिल करना शुरू किया है। फ्रंट से बिल्कुल लाइट हैंड से हम ब्रश चलाएंगे ताकि वो बिल्कुल नेचुरल लुक आए। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा ये कितना डार्क है और फ्रंट में जो मैंने एक लाइन क्रिएट किया है वो कितना लाइट है। अब हमें उसी लाइन को लेते हुए ऊपर की साइड इसको फिल करना है। ये दोनों आईब्रोज फिल कर चुकी है, देखिए डिफरेंस, पहले कैसी आईब्रोज थी मेरी अभी कैसी है। मुझे थोड़ी सी थिक आईब्रोज पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ी सी थिक करके उसे थोड़ा जो शेप देती हूँ उसे थोड़ा थिक रखते हुए शेप देती हूँ, ताकि मैं जब फुल मेकअप करती हूँ तो वो एक नेचुरल और एक अट्रैक्टिव से मेरी आईब्रोज लगे, क्योंकि मेरा जो चिक बोन है वो हाई है, इसलिए आईब्रोज जो है थोड़ी थिक होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आप इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में भी मेरा एक पेज है
क्योंकि मेरा अपना एक सलोन है जो यूअर्स मेकअप स्टूडियो के नाम से ही मैंने वहाँ पे पेज क्रिएट किया है, चाहे तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।